हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे आरएल नेटवर्क यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका सलूशन देख रहे थे। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने एक प्रॉब्लम करवाया था, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं। वहां तो हमने जनरल बताया था, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप ऑलरेडी बोर्ड पे बना के रखे हैं और इसको आप ध्यान से देखिए। कुल मिला के हम आप लोगों को बताए थे कि इस पूरे सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस पूरे सर्किट को चेंज करना है। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस सर्किट को हम चेंज करने के लिए आर तो जैसे वैसे कॉपी कर देंगे, ये सारे आर रेजिस्टेंस को कॉपी कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, इस वोल्टेज सोर्स को 40 बाई एस लिख देंगे, इस 2 ओम रेजिस्टेंस को भी कर देंगे कॉपी। लेकिन इस 2 ओम हेनरी इंडक्टर को अगर हमें लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना है, अगर हमें इस 2 हेनरी इंडक्टर को लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, एसएल प्लस एल आईएल जीरो नेगेटिव, एक आईएल जीरो नेगेटिव की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी सर्किट सॉल्व करोगे, जो भी सर्किट आप सॉल्व करोगे, उसमें दो स्टेप आपको फॉलो करना है। मतलब क्वेश्चन समझ में आया, आपको आईएलटी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारा है आईएलटी फाइंड आउट करना है, आईएलटी फाइंड आउट करना है टी इज ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है। आज कह रहा है कि स्विच जो है ऑलरेडी बना हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। स्विच कह रहा है कि देखिए लॉन्ग टाइम तक क्लोज थी, टी इक्वल टू जीरो पे ओपन कर दी गई। ये देखिए, ये सिंबल से आप जान जाएंगे, ये सिंबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में एट टी इक्वल टू जीरो पे। इसका मतलब जो ये स्विच है टी इक्वल टू जीरो पे ओपन कर दी गई। अब हमें कैलकुलेट करना है आई एल टी फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो पे। तो हम क्या करेंगे, जो भी सर्किट होगी सबसे पहले हम स्टडी स्टेट में इसकी करंट कैलकुलेट करेंगे। स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप वन लगाएंगे। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में टी इज लेस देन जीरो और ये करेंगे स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट या टी इज ग्रेट जीरो नेगेटिव, ठीक है, इसके लिए सर्किट बनाएंगे। तो आप बताइए टी इक्वल टू जीरो पे अगर ये ओपन हो रही है तो टी इज लेस देन जीरो पे क्या रहेगी, क्लोज रही होगी। तो उसके अकॉर्डिंग सर्किट बनाइए, और उसके अकॉर्डिंग सर्किट में बना रहा हूं, तो आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से सर्किट में बना रहा हूं। ये आपका 40 वोल्ट है और यहाँ पे ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, और ये देखिए स्विच जो है मैंने क्लोज कर दिया, ये स्विच क्लोज कर दिया, और ये रेजिस्टेंस आपका कितना है 12 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस आपका कितना है 4 ओम है, और ये आपका रेजिस्टेंस 16 ओम है, ये 16 ओम है। और ये देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। मैं जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो उस टाइम पे जो ये सर्किट बनी है आईएल जीरो नेगेटिव निकलेगा, उस टाइम पे जो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा यही करंट हमें कैलकुलेट करना है, तभी हम इस पूरे सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज कर पाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 12 है, हमें ये करंट कैलकुलेट करना है। तो अब ये करंट आप किसी भी मेथड से, जनरल जो नेटवर्क आप प्रॉब्लम पड़े हो थी आपका नोड एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, मेश एनालिसिस, किसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका यहां से बता रहा हूं। ये बताइए, ये शॉर्ट सर्किट है, यहां से जो करंट जाएगी तो एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टिव पाथ है और एक विदाउट रेजिस्टेंस है, तो करंट इसमें चलेगी, इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगी, तो एक तरह से देखो 12 और 4 ओम रेजिस्टेंस आएंगे, तो 12 और 4 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो ये देखिए 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 16, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये मल्टीप्लाई 3, तो इसका इक्विवेलेंट 3 हो गया। 3 प्लस 2 ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 टोटल रेजिस्टेंस इस करंट का बन गया, इस सर्किट का बन गया। और टोटल वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, तो 40 डिवाइड बाय 5 ये कितना हो गया 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। तो इस पूरा रेजिस्टेंस 8 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करवाएगा सोर्स,
देखिए हमने क्या किया, ये देखो शॉर्ट सर्किट है, यहां से मान लिया कि कोई करंट गई, एक रेजिस्टिव पाथ है एक शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो पूरा करंट इसके थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो है तो यहाँ भी वोल्टेज जीरो होगा, तो इस रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं आएगा, तो दोनों ये रेजिस्टेंस बच गए, दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट 3 आ गया और ये प्लस 2 सीरीज में, तो 5 रेजिस्टेंस आ गया, इसमें 40 से डिवाइड कर दिया, 40 डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 8 एम्पियर करंट आ गया टोटल। मुझे ये करंट कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए ये करंट 8 एम्पियर चलेगी, 8 एम्पियर यहां पहुंची, यहां पे देखिए दो ब्रांच दिख रही है, एक 4 ओम की ब्रांच दिख रही है, 12 ओम की ब्रांच दिख रही है, इस रेजिस्टेंस का पिक्चर में नहीं है, ये रेजिस्टेंस दिखते है लेकिन पिक्चर में नहीं, किस वजह से, इस शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगी इसके थ्रू फ्लो हो जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये एक तरह से आप इसको हटा दीजिए, क्लियर। अब देखिए क्या है, ये जो करंट 8 एम्पियर करंट है, अगर ये जाएगी तो दो ब्रांच में जा रही है, तो जो 4 ओम से करंट जाएगी वही IL जीरो नेगेटिव होगी, तो IL जीरो नेगेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगा दे, हम लगा दे करंट डिविजन रूल। तो करंट डिविजन रूल लगाने जा रहा हूं, तो आप लोग जानते हैं करंट डिविजन रूल क्या कहता है, जिस रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस 12 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, केवल इसका नहीं, यहां से देखिए इस पूरे ब्रांच में, तो ये हो जाएगा 12 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना हो जाएगा 8, तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया 16, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। तो IL जीरो नेगेटिव की वैल्यू 6 एम्पियर आ गया, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 1 से कैलकुलेट कर लिया IL जीरो नेगेटिव इक्वल टू 6 एम्पियर, IL जीरो नेगेटिव इक्वल टू 6 एम्पियर आपने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टेप 1 हमें t इज लेस देन 0 स्टडी स्टेट होगा, स्टडी स्टेट में जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर वो बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये करंट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे तभी हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करेंगे। अब स्टेप हम सेकंड पे चलते हैं, स्टेप सेकंड में देखिए हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड हम चलेंगे, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हम सर्किट बनाएंगे टी इज ग्रेटर देन जीरो पे, टी इज ग्रेटर देन जीरो पे इस पूरे सर्किट को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे लाप्लास डोमेन में। लाप्लास में करेंगे तो देखिए ये 40 है, 40 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ये 40 बाई क्या हो जाएगा, यस ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, 2 ओम रेजिस्टेंस ऐसे ही रहा, ये स्विच है, आप जानते हैं कि टी इक्वल टू जीरो, जस्ट टी इक्वल टू जीरो पे ये स्विच क्या कर दी गई है, ओपन कर दी गई, तो ये देखिए हमने स्विच ओपन कर दिया है, और इसके बाद ये आगे हम बना रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आपका है, ये रेजिस्टेंस आपका 12 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस आपका कितना है 4 ओम है, ये रेजिस्टेंस आपका 16 ओम है, ये रेजिस्टेंस आपका 16 ओम है। अब इंडक्टर की जगह पे, इंडक्टर के जगह पे हमने बताया था कि एक SL बनेगा, S इंटू L की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी L IL जीरो नेगेटिव, L की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई IL जीरो नेगेटिव वैल्यू 16, तो ये हो जाएगा कितना 12 वोल्ट। अब ये सिंपल आपका सर्किट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये स्विच ओपन हो गई, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे स्विच क्या हो रही थी ओपन, उससे पहले क्या थी क्लोज, हमें t इज ग्रेटर देन जीरो पे यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है, आइए करंट की वैल्यू क्या होगी IL S। तो आप देखिए इस सर्किट को सॉल्व करना है, ये पूरी ब्रांच जो है, ये देखो ये जो ब्रांच में डॉट डॉट कर कर रहा हूं, ये ओपन है, तो इसका कोई भी पिक्चर में नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ओपन है तो इस सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब देखिए ये 12 वोल्ट और 4 ओम किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि ये ओपन है, 12 और 4 सीरीज में हो गए तो कितना हो जाएगा 16, 16 और 16 पैरेलल में कितना हो जाएगा 8, तो ये सर्किट सिंपल ये बन गई, ये देखिए
ये सर्किट सिंपल, ये हो गया 8 ओम, ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया 2s, ये क्या हो गया 2s, और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे, और इसमें करंट फ्लो हो रही है IL, और ये वोल्ट है 12 वोल्ट, और ये 8 ओम, यही करंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इसमें हम KVL लगा दें, सिंपल हम इसमें KVL अप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल KVL अप्लाई कर रहे हैं, देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लिखेंगे -8 IL S, क्या लिखेंगे -8 IL S और -IL S इंटू 2S, क्यों, क्योंकि इसका इंपीडेंस कितना है 2S, और लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे +12 = 0। तो यहां से अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसा कि हम ये नेटवर्क को ऊपर मिटा के यहां पे लिख रहे हैं, ये देखिए ये हटा देते हैं आपको, नहीं चलिए ये नेटवर्क हटा देते हैं, यहां ऊपर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास IL S इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 / ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2S + 8, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करना है, 12 / 2S + 8, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हम जानते हैं कि इसका इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके क्या किया हमने, 12 / यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 12 / 2, तो ये क्या हो जाएगा 6, अरे 2 कॉमन ले लिया इसमें से नीचे से, तो 12 / 2 कितना हो गया 6, और ये S प्लस कितना हो गया 4, और ये आपका आ गया IL S। अब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने बताया था कि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आप लोग बता चुका हूं e^-at(ut) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s + a होता है, तो सेम यहीं से कॉपी कर दीजिए आप, तो ये देखिए IL S है, तो यहां से IL t निकलेगा, IL t क्या हो जाएगा 6, कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, इसके अकॉर्डिंग देखो e^-4t और ut, ये इसका फाइनल आंसर है जो हमें कैलकुलेट करना था। तो दो स्टेप में इसको आपको कैलकुलेट करना है, t < 0 and t > 0, ठीक है, t < 0 and t > 0। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि t < 0 सर्किट से हमें IL0 नेगेटिव निकालना होगा, अगर IL0 नेगेटिव ऑलरेडी दे दिया है तो हमें t < 0 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया तो हम कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे जो हमारा इंडक्टर है स्टडी स्टेट में बिहेव करेगा, स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, क्लियर। तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, उसके क्रॉस जो करंट कैलकुलेट होगी वो IL0 नेगेटिव होगी, वो कैलकुलेट करके फिर t > 0 पे पूरा सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे लाप्लास में, सिंपल KVL मेथड से लगा के आपको IL S कैलकुलेट करना है, फिर उसका इनवर्स लाप्लास ले लेना है, आपको जो आपको IL t है वो मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। थैंक यू।